राजा तो आ रहा है लेकिन कम है। हे गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइज विल डूइंग ग्रेट। और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है, अभी काफ़ी सुबह है, 6 बजने वाला है। सो अचानक से हम लोग का प्लान बन गया, राइड पे जाने का प्लान बन गया। तो बस वही आज हम लोग निकलने वाले। और पता है मेरे को बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आया है, बट क्या कर सकते हैं यार, काम ही ऐसा है कि ब्लॉग नहीं हो पाता है। बट अब बाइक लिए थे, थोड़ा राइड पर जा रहे थे, तो सोचे चलो ब्लॉग तो बनता है, देखते हैं इसका कितना एपिसोड आता है। ऑल्सो थोड़ा ऑडियो का दिक्कत होगा क्योंकि मेरा जो GoPro का माइक अडेप्टर था वो काम नहीं कर रहा है। पता नहीं अचानक क्या हो गया, GoPro ख़राब हो गया या वो ख़राब हो गया। तो अब देखते हैं, बिना आवाज़ के थोड़ा आप लोग को मैनेज करना होगा। बट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो। बड़ा दिक्कत है यार बिना माइक का। पहला राइड ड्यूक 390 से। इसको ऊपर रख के जब तक हम गाड़ी पहुँचते हैं, ठीक है। तो बहुत पहले से अपना ये ड्रीम था कि 390 हो, और आज खैर वो ड्रीम पूरा हो गया है मेहनत करके। तो हम पहले ही टैंक फुल करा लिए थे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये रहा टैंक अपना फुल है, मीटर 1 स्टार्ट चालू है, सिस्टम सेट है, बस निकलना है। इसको ठीक कराना पड़ेगा, पंचर दुकान चलते हैं। ये तो ट्यूबलेस होगा ना। हाँ, जाने के पहले ही कांड हो गया है। ये टीर कील निकालेंगे, हवा निकल जाएगा, चलते हैं, कहीं ना कहीं होगा पंचर दुकान। पंचर दुकान ढूंढना पड़ेगा, मेरा ध्यान ही नहीं गया है उस पर, पता है। अभी तू बोला कि काटी घुसा है, तो मैंने बोला अरे यार ये कैसे हो गया, इतना सुबह सुबह तो पंचर दुकान भी नहीं खुलता होगा। अभी टायर का हवा कम तो नहीं जा रहा है ना। बैक दिक्कत कर रहा है क्या? ये रहा पंचर दुकान। चलो यार बगल में ही मिल गया, दिक्कत नहीं होगा। कैसा लग रहा है लुक है? ये पंचर ठीक कर दो, बड़ा लंबा दूर जाना है, थोड़ा जल्दी कर दो। साला काफी कांड घुसा हुआ है, देख रहे, ब्लॉग शुरू होने के पहले ही कांड हो गया भाई। अगर हम तुम देखता नहीं ना, हम तो ऐसे ही निकल जाते। ये खुद ही इतनी सेक्सी है, ऐसे ही कितना सेक्सी लग रहा है, देख रहे। नॉर्मल हवा दिक्कत रहा है क्या इससे? हवा है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, 4 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है। गाड़ी बहुत जोर झटका देता है। देख रहा है? अभी तो खींचे भी नहीं है। ये तो तुम्हारा रोड मोड पे, सुपर मोटो पे गया भी नहीं है अभी। पकड़ ले, सनराइज हो रहा है ब्रो। थोड़ी देर में गर्मी बढ़ जाएगा, उससे पहले हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तय कर लिए हैं, क्या मजा आ रहा है ना, क्या मौसम है। अगर ऐसे ही मौसम में चलाने रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप थोड़ा आवाज़ ठीक ठाक आ रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं यार, मेरा माइक ही खराब हो गया लास्ट मोमेंट पे। ये क्या है, ये वहीं से आ रहा है क्या? क्या बात कर रहा है, गंगे बड़ा गंदा हो गया यार। तो बस अभी हम लोग हरिद्वार वाला रास्ता ले लिए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हरिद्वार का रास्ता ऐसा ही है, हाईवे नहीं है, हाईवे। लास्ट के पहले कितना सीसी तक का बाइक चलाया मेरे भाई की? कौन सा? केटीएम
200 cc। ला फोन दे, आराम से चलाना। मैं आराम से चलाता हूँ। बैग का क्या करूँ? टांग ले पहले, पैरा ट्राई की नहीं, ठीक है? इसको टाइट कर ले, होगा टाइट? आप कर देना ना टाइट, बैठ तो जाओ। कुछ दिख ही नहीं रहा पीछे से, सांड साला पीछे इतना चौड़ा है तुम। समझा गलती क्या क्या है? गियर हमेशा लेते रहना, अगर तुम 50 में भी चल रहे हैं ना तो तुमको 6 गियर में चलना होगा, अगर तुमको माइलेज चाहिए तो। क्योंकि तो जितना आरपीएम जितना हज़ार बढ़ेगा उतना माइलेज घटेगा। ड्यूक का सबसे बड़ा दिक्कत है, चलाने वाला इससे 35 भी निकाल लेता है, जो नहीं चला पाता उस 15 का माइलेज देता है उसको। हाँ हाँ, वो सीन है। बाकी धीरे धीरे तुमको पावर का आदत होगा ना, उसके बाद एक फ़ोटो ले तो बड़ा मस्त आएगा। हटियो, बाइक का फोटो लूँ एक, थोड़ा सीधा कर लो। चलो बीस्ट, ये ना छेद को ना टाइट कर। क्या हो गया बीस्ट? ऊपर की बैंड बजी है, हैं? मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा तो आ रहा है लेकिन कमर। ठीक है, पेट भर गया ना? और खाना है? गन्ना का जूस पीना है? गन्ना का जूस पीना है? आप पियोगे? हाँ मैं पीऊँ। चलिए ठीक, इसको कहाँ रखें भैया? क्या गन्ना पिए? पानी भर, पानी चेक करो, पूरा ठंडा है भाई, पी के चेक करो। तूफान का देवता है, कहाँ से उठा के ले आया इसको? क्या पकड़ से इतना ठंडा कैसे गिर रहे? तो बर्फ जैसा पानी लग रहा है, फ्रिज का पानी है, नहर वाला है ना, मीठा है, बिल्कुल भी खारा नहीं है। अच्छा कोई नहीं, अभी गन्ना पी लेते, इसको रख ले बैग में, कहीं ना कहीं और मिल जाएगा, फिर से भर लेंगे। क्या क्या यहीं के हैं तो? भैया अपना एक पेट भर ले, अपना खा पी ले, मांग के। अच्छा तो यहाँ पर कोई परिवार वरिवार? यहाँ काम वाम के सिलसिले से काम वाम चल नहीं रहा है क्या अभी? काम बहुत सही होता होगा, तो गर्मी में काम नहीं होता। गर्मी में काम तो नहीं होगा। तीन ग्लास कितना कितना वाला है? 20 वाला तीन। उम्र हो गया आपका तो काम वाम मत करिए, और क्या करनी पड़े भाई? बच्चा बच्चा बेटा बेटा है? अभी छोटे हैं। अच्छा छोटा है। वैसे काम क्या करते थे? मिस्त्रियों का। अच्छा मिस्त्री, लेबर वाला। चलो गाइज अब हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं। ब्रेकफास्ट तो हो गया थोड़ा बहुत, हम लोग मिक्स वेज वेज बिरयानी खा लिए और गन्ना पी लिए, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पानी मस्त ठंडा है वे है सर जी। इधर पेट्रोल पंप नहीं है क्या? अच्छा वहाँ पे, और इस रास्ते में नहीं है सीधा हरिद्वार? पुलिस पर ज़बरदस्ती उंगली करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। लाइसेंस मांगता ना तो थंबनेल डाल देते पुलिस स्कॉट। गाड़ी रुका हुआ था तो कैसा गर्मी लग रहा था, अब चल रहा है तो वापस ठंडा लग रहा है। तो गाइस अब थोड़ा रास्ता अच्छा हो गया है, बिल्कुल पेड़ वेड़ दिख रहा है, बिल्कुल सेक्सी सा अंकल मूत रहे हैं और हम लोग भी चल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी गाड़ी खींच रहे थे थोड़ा, क्या हो गया बीस्ट हैं? ये सब क्या, ये सब छिलका विलका निकल गया तेरा बाइक से हैं? तेरा छिलका बनने वाला थोड़ी देर में। कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बढ़िया है, बाकी पिलियन सीट को छोड़ के। पिलियन सीट तो बढ़िया नहीं है। क्या हो गया, पेंदी दिखा, लाल हो गया है क्या? अरे लाल पीला नीला सब कुछ हो जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइस अपन लोग अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, ये रास्ता सीधा जाता है। बाकी अगर कोई हरिद्वार आया है, कितना लेता है दीवान जी? 50 रुपया? 50 रुपये में ऑटो छोड़ देगा हरिद्वार से ऋषिकेश, अगर किसी को ऑटो से जाना है तो। पानी लेकिन गंदा है। तो गाइस ये देख सकते हैं पहाड़ हम लोग को दिखना शुरू हो गया है। पहाड़ देखते ही सारा
ताकत वापस आ जाता है। यहाँ से अभी 8 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 किलोमीटर का आधा घंटा दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा पहाड़ वाला रास्ता है तो थोड़ा घुमा फिरा के होगा, इस वजह से ट्रैफिक में बड़ा मूड ख़राब होता है यार। कितना अच्छा उधर आ रहे थे, इधर ट्रैफिक मिल गया। एक तो साला इधर कोई हेलमेट भी नहीं लगाया भाई, 3-3 लोडिंग घूम रहा है बिना हेलमेट के, देखो। अरे भैया गजब, जाइए अंकल। हेलो मिला, मिल गया। कहाँ बैठे यार, फट गया टॉयलेट गैस। सो अभी यहाँ तक का हम लोग का सफ़र एंड होता है, हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या प्लान होता है, जैसा भी हो नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं जो भी होगा। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।